Dear students, today we are going to study about a very important topic, comes under diode applications, that is diode clamper circuits. Diode clamper circuit is also an application of diode as just right now I said, and it uh, comes under the topic or syllabus of emerging domain in, in electronics engineering, which is AKTU first year syllabus. My name is Hari Mohan and i am going to start and teach you this topics today step by step so let us begin with so first of all what we are going to do we are going to define the diode clamper what is diode clamper and then we will see how many types of clampers are there

Uh, जैसे इसके पहले हमने डायोड क्लीपर देखा था तो डायोड क्लीपर क्या करता है डायोड क्लीपर एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सॉकिट होती है जो वेवफॉर्म्स फॉर्म्स को क्लिप ऑफ करती है यानी कि कुछ पोर्शंस को रिमूव करती है यहाँ पे क्या होता है द क्लैंपिंग क्लैम्पिंग नेटवर्क इज वॉन दैट विल क्लैंप क्लैम्प का मतलब जनरली इसको शिफ्ट से भी बोला जा सकता है दैट इज नथिंग बट इट शिफ्ट क्लैंप मतलब shifting. Of a to a DC level. Matab, this, किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल से अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लाइम करता है, कि करता है. A a diode, कि एक कैपेसिटर एक डायोर्ड एलिमेंट होना चाहिए बट इट इट के यानी कि अगर किसी लेवल पे शिफ्ट करना है तो जिस लेवल पे शिफ्ट करना है उसके लिए हमें एक डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी यानी कि बैटरी की जरूरत पड़ेगी क्लियर है तो क्लैंपिंग नेटवर्क क्या करता है कि क्लैंपर क्या करता है ये एक क्लैंपिंग नेटवर्क हो जो वेव फॉर्मस को डीसी लेवल प्रोवाइड करता है यानी कि अपवर्ड और लोअर डाउनवर्ड लो, लो, डायरेक्शंस में एक तरीके से इन नॉन टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो शिफ्ट करता है ओके okay. नाउ फिर से अगर मैं इजी वे में इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो कह सकते हैं कि क्लैपर सर्किट तो जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है टू क्लैंप अप और क्लैंप डाउन यानी कि क्लैंप करना या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ऑफ द इनपुट साइनसोइडल वेव फॉर्म्स दैट मीन वेब फॉर्म आदर मूव अप और डाउन वर्ड डिपेंडिंग अपॉन द अपलीकेशन ऑफ डाउट यानी कि जिस तरीके से हम डाउट लगाएंगे उसके हिसाब से या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्या करता है शिफ्ट होता है ओके okay. अब ये इसको इसको बनाते हैं या यूज करते हैं इसका जो है वो कैपेसिटर डायोड एंड का यूज करके और बैटरी भी लगाते इन ओनली इन द केस ऑफ बयास्ट क्लाइम्पर यानी कि अगर हमें एडिशनल डीसी सप्लाई यूज करनी है एडिशनल डीसी सप्लाई हमें लगानी है तो उस केस में हम क्या करते हैं ट में बैटरी का यूज करते हैं लेकिन तीन है, बट अगर आपको एडिशनल डीसी लेवल या किसी पर्टिकुलर लेवल से शिफ्ट करना है तो आपको बैटरी भी चाहिए तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें कि इसका पिक टू पिक वेव फॉर्मी पिक टू पिक का मतलब हो गया इस वेव फॉर्म की हाइट यानी कि प्लस फाइव से अगर माइनस फाइव कोई waveforms है तो इसकी वैल्यू वैल्यू कितनी कि कि ये कहलाता है peak -to -peak. तो इसका peak -to -peak waveform never यानि कि जो peak -to -peak input का होगा, वही आउटपुट का होगा और शेप एंड साइज ऑफ दिमेन सेम यानी कि इनपुट जिस शेप में रहेगा इस तरीके से वही शेप आउट फॉर्म्स का भी रहेगा ओनली डिफरेंट इज दैट इट 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 विल गेट एन एडिशनल शिफ्ट

नीचे की तरफ वेब फॉर्म शिफ्ट हो जाता है यानी कि अगर मैं इस तरीके से ये बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर जीरो एक्सिस है है और ये हो गया मान लो एंड तो 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 अगर क्लैम्पर तो तो, या तो ये जीरो से ऊपर की तरफ कंप्लीटली कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर देगा वे फॉर्म को यानी कि जीरो से लेके टेन अपर डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा जीरो से लेके माइनस टेन तक कुछ इस तरीके से सो दिस विल कम अंडर

इस वेवफॉर्म waveform, इसका वेवफॉर्म्स निकालना है या इसको सॉल्व करना है या ये करना है तो इसका तरीका क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे पहले दो तरीके से सॉल्व करेंगे इसको पहले तो जो बेसिक केवीएल सर्किट है उसके थ्रू सॉल्व करेंगे दूसरा डायरेक्ट ट्रिक मेथड के थ्रू तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि आपको पहले ट्रिक मेथड दिखा देता हूं और इस ट्रिक को मैं सॉल्व करके आप लोगों को उस ट्रिक में जो आंसर आ रहा है उसको मैं क्या करूंगा वेरीफाई uh, कर दूंगा ओके लेट अस बिगिन विद अब का मतलब है है इसमें भी दो स्टेप पहले सबसे पहले अगर बैटरी है तो बैटरी की पॉलरिटी चेक करेंगे चेक द तो पॉलरिटी ऑफ द बैटरी ओके okay. तो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है तो यहां पे क्या हो जाएगा जीरो वोल्ट ओके नेक्स्ट सेकेंड अब हमें क्या देखना है कि डायोड का डायरेक्शन यानी कि अगर डायोड डायोड का डायरेक्शन यानी कि अब यहां पे हमें हमें जो है डायोड uh, का डायरेक्शन चेंज और डायोड का डायरेक्शन नीचे की तरफ यानी कि एरो डायरेक्शन नीचे की तरफ है ये एरो कह सकते हैं एरो का मतलब ये न, 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 नेगेटिव साइड तो क्या होगा ये वेव फॉर्म्स जो है वो डाउनवर्ड में शिफ्ट होगा यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट होगा कितना से नीचे सिफ्ट होगा? 0 शिफ्ट होगा जीरो वोल्ट से यानी कि इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स शिफ्ट डाउनवर्ड्स यानी कि मात्र दो स्टेप डाउनवर्ड्स Okay. Let us verify. अब हम देख सकते हैं कि जो जो है है। इसका इसका से से के बीच में vary कर रहा हो हो गया 2 v in के हो गया बराबर अभी क्या करना है इस पूरी फॉर्म्स को मुझे शिफ्ट कर देना है जीरो से नीचे की तरफ तो जीरो से जब नीचे शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा एक हो जाएगी जीरो की और तो टोटल मुझे हाइट कितना चाहिए टू वी का तो कहां तक जाएगा माइनस टू वी इन तक ठीक है यानी कि जीरो से लेके माइनस टून तक ओरिजिन यानी कि एक्सिस कहां पे था जीरो पे तो यहां पर माइनस है यानी कि इनपुट का जो पीक टू पीक यानी कि पूरी जो हाइट होगी वही हाइट जो होगी वो आउटपुट की भी होगी तो अगर मुझे पता है कि किस लाइन से मुझे वेव फॉर्म्स को कंप्लीटली शूट करना है और इनपुट की अगर मुझे हाइट पता है तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा जैसे इस केस में इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अगर इसी केस में वे कुछ इस तरीके से हो प्लस फाइव टू माइनस फाइव तो इसकी हाइट कितनी हो गई टोटल टेन वोल्ट यानी कि पीक टू पीक वोल्टेज वोल्ट तो इस केस में क्या होगा अब ये पूरा जीरो से नीचे शिफ्ट हो जाएगा यानी कि ये लेवल हो जाएगा जीरो और ये लेवल कितना हो जाएगा माइनस टेन और ये लेवल क्या हो जाएगा माइनस फाइव यू कैन चेक इट आउट टोटल हाइट इज टेन वोल्ट हियर पॉजिटिव साइकिल की मैक्सिमम जो पीक है वो 5 वोल्ट की और इधर भी 5 वोल्ट की नाउ दिस हैज टू बी वेरीफाइड तो वेरीफाई करने के लिए भी हम लोग एक इजी मेथड यूज करते हैं कोशिश करते हैं कि अब इसमें सिर्फ कंडीशन एक ही है कि इसको हम लोग इस कंडीशन को सिर्फ यहाँ पे नोट्स से मैंने दिखा रखा आप लोगों को कि ये नोट्स में डाल रखा है कि स्टार्ट हमें उसी साइकिल से करना है सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन को जिस साइकिल से

इसी सर्किट में हमने एक बैटरी लगा दी ये बैटरी लगा दिया मान लो टू वोल्ट की माइनस से प्लस टू वोल्ट और इनपुट जो है इनपुट यहाँ पर देख रखे हमने डायरेक्ट मेथड इसको बोल रखा हमने डायरेक्ट मेथड और यूजिंग वेरीफाई यूजिंग केवीएल ओके डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया इनपुट है प्लस फाइव से माइनस फाइव एक रेक्टेंगुलर वे फॉर्म है ओके okay? तो शेप ऐसे रहना चाहिए अब हमें देखना है कि आउटपुट क्या आएगा तो सबसे पहले देखेंगे बैटरी बैटरी कितने वोल्ट की है बैटरी इज ऑफ टू वोल्ट प्लस टू वोल्ट बैटरी चेक करना पिछले बे भी बताया था मैंने क्लिपर वाले में आप देख सकते हैं उसमें भी तो क्लिपर में क्या है ऐसे देख नीचे से ऊपर की तरफ चेक करते हैं बैटरी को माइनस पहले है बाद में प्लस है तो जो ये प्लस है उसकी वजह से बैटरी कितनी हो जाएगी टू वोल्ट की तो टू वोल्ट की बैटरी हो गई अब देखेंगे कि वेव मतलब इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है यानी कि यू कैन अनदर वर्ड यू कैन से नीचे वाला यानी कि रेफरेंस लाइन पे नोड चेक करेंगे अगर रेफरेंस लाइन का नोड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है यहाँ तो कि अगर एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ है एरो डायरेक्शन नीचे की तरफ तो वेवफॉर्म कंप्लीटली नीचे शिफ्ट होगा कहां से नीचे टू वोल्ट से इसका मतलब है कि ये इसकी जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो कितना होगा टू वोल्ट होगा ओके इनपुट वेवफॉर्म प्लस फाइव से माइनस फाइव वेरी कर रही है इसका मतलब टोटल हाइट कितना है इसका 10 तो 2 से मुझे कितने हाइट चाहिए 10 किस डायरेक्शन में नीचे डायरेक्शन में तो यहाँ कहाँ तक जाएगी -8 वोल्ट तक टोटल 10 हो गया अब ओरिजिन कहाँ पे था जीरो पे मुझे क्या चाहिए यहाँ पे ऊपर की तरफ 5 नीचे की तरफ 5 तो अगर मैं यहाँ पे -3 कर दूं तो टोटल तो 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 कितना हो गया ऊपर 5 है नीचे 5 क्लियर है आई होप दिस इज द योर आउटपुट यानी कि प्लस टू से प्लस टू इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्योंकि जो है वो से कंप्लीटली नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया इसकी हाइट पूरी टेन है तो पूछ, पूछ मैं क्या करूंगा टेन में से इसको कर दिया तो मुझे टोटल हाइट मिल गई माइनस एट यानी कि टू से लेके माइनस एट तक अगर मैं वेरी कराऊ तो मेरी जो वेव फॉर्म की टोटल हाइट जो होगी वो टेन आ जाएगी ये डायरेक्ट मेथड अब इनडायरेक्ट से चेक कर लें तो पहले मैंने क्या बताया था इनडायरेक्ट वेरीफाई यूजिंग केवीएल से ऑलवेज स्टार्ट विद द साइकिल मेक्स फॉरवर्ड बायस तो का डायरेक्शन देखें तो सबसे पहले कौन सा साइकिल से स्टार्ट करेंगे ताकि डायवर्ट जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अगर मैं पॉजिटिव साइकिल से स्टार्ट करूं पॉजिटिव हाफ साइकिल से यहां से प्लस दूंगा तो प्लस और डायोड का ये प्लस इसको क्या करेंगे फॉरवर्ड बायस में और कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसी वजह से हम स्टार्ट करेंगे कंसीडर फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल

इस केस में मुझे क्या करना है कैपेसिटर का चार्ज निकालना है तो विस इज कल टू हो गया वी इन माइनस टू कौन सी साइकिल स्टार्ट की थी आपने वी इन की तो वी इन का पीक कितना है मैक्सिमम पांच वोल्ट यहाँ पे पुट कर देंगे फाइव यानी कि फाइव माइनस टू कितना आ गया थ्री वोल्ट तो यानी कि कैपेसिटर मैक्सिमम कितना से चार्ज होगा थ्री वोल्ट से Now, अब आउटपुट निकालने के लिए हम एक जनरल इक्वेशन लगाएंगे जनरल इक्वेशन का मतलब जहां पे कि सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू पुट करनी करनी रहे और बाकी मुझे बार बार केवे लगाने की के मतलब जरूरत ना पड़े तो हमने क्या किया इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस ऑर्बिट में इस सर्किट में या इस लूप में केवे लगा दिया और यहाँ पे जो इनपुट है उसको हमने जनरलाइज्ड वी इन मान लिया क्यों व्हील मान लिया जनरलाइज यहाँ पे बिकॉज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव हाफ साइकिल के लिए इसकी वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे तो इसीलिए हम क्या करेंगे मात्र दो इक्वेशन लिखेंगे एक तो वीसी की वैल्यू निकालने के लिए यानी कैपेसिटर का चार्ज निकालने के लिए और दूसरा केवीएल आउटपुट के लिए तो जब मैं बाहर वाले सर्किट में केवीएल लगाऊंगा तो ये तो हो गया पी इन कंप्लीटली वी एन ये प्लस से माइनस क्या हो गया माइनस वीसी और यहाँ पे प्लस से माइनस वी आउटपुट हमें क्या चाहिए V आउटपुट तो V आउटपुट तो हो गया V इन माइनस वी तो ये मेरा जनरलाइज इक्वेशन बन गया अब इस इक्वेशन में हम पुट करते जाएंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू नेगेटिव की वैल्यू एंड एक्सेस की वैल्यू चलिए स्टार्ट करते हैं तो आउटपुट फॉर पॉजिटिव साइकिल जब हम निकालेंगे तो V इनपुट की वैल्यू क्या पुट कर देंगे मैक्सिमम कितना है 5, तो यहाँ पे वी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यानी यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमने v in की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पुट कर दी कि का पुट कर दिया. तो 5 3 की कितना और जैसे मैंने फाइव पुट, पुट किया तो ये हो गया माइनस फाइव और माइनस थ्री टोटल कितना आ गया माइनस एट और जब मैं ओरिजिन एक्सिस पे जाऊंगा तो आउटपुट फॉर एक्सिस के लिए कहाँ पे था

यहाँ पे सबसे पहले पहले मैं डायरेक्ट मेथड का यूज करता हूँ तो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड हमने चेक किया बैटरी ओके सो बैटरी चेक किया तो बैटरी कितने वोल्ट की है प्लस से या माइनस यानी कि माइनस थ्री वोल्ट की ठीक है अब चेक करते हैं एरो डायरेक्शन एरो डायरेक्शन चेक करने का दोनों तरीका बताया मैंने एरो का डायरेक्शन यानी कि रो ये डायोड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है यानी कि निगेटिव साइड जो है इसका ऊपर की तरफ है एन ऊपर की तरफ है तो वे ऊपर शिफ्ट होगा या दूसरा तरीका डिफरेंस लाइन

कंप्लीटली ऑपो डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है ऊपर की तरफ तो माइनस थ्री वोल्ट से मैं कितने वोल्ट तक लेके जाऊंगा ताकि ट्वेंटी आएगा सिंपल से सेवनटीन क्योंकि सेवनटीन और ये थ्री कितना हो गया ट्वेंटी वोल्ट तो टोटल यहां पे पीक टू तो पीक कितना हो गया ट्वेंटी अब मुझे निकल गया कि मिनिमम हो गया माइनस मैक्सिमम हो गया सेवनटीन ओरिजिन कैसे निकालेंगे ओरिजिन में भी ये जो पीक वैल्यू है वो टेन वोल्ट और नीचे भी टेन वोल्ट तो अगर सेवनटीन ऊपर की तरफ मैक्सिमम है तो टेन वोल्ट लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहां इसमें से टेन सेपरेट कर दो कितना आ गया सेवन वोल्ट तो इसकी पीक वैल्यू कितनी हो गई इधर भी टेन वोल्ट और सेवन टू माइनस थ्री पीक वोल्ट कितना हो गया ये भी माइनस टेन कह है डायरेक्ट मेथड यानी क्या किया हमने टोटल पीक टू पीक इनपुट का देख लिया कितनी है सेम आउटपुट का होना चाहिए इसके बाद हमने क्या किया एक पॉइंट मिनिमम पॉइंट निकाल लिया

वी प्लस किसी भी डायरेक्शन में केवल ले सकते हैं ऐसे या ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so, प्लस से माइनस माइनस थ्री और फिर यहाँ पे प्लस से माइनस माइनस वी सी टू जीरो तो वी की वैल्यू कितनी आ गई वी एन माइनस थ्री के बराबर जहां पे कि वी की वैल्यू वा, कितनी है नेगेटिव साइकिल का भी एम्पलीट्यूड टोटल कितना है टेन तो वी की वैल्यू हमने यहाँ पे टेन पुट कर दिया थ्री इजिकल टू जीरो नाउ क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जब आपने पॉजिटिव आप साइकिल लिया था तो पॉजिटिव की वैल्यू पुट की थी मैक्सिमम निगेटिव साइड में आपने माइनस टेन ऑलरेडी हमने कर ली है माइनस से प्लस को कंसिडर कर लिया है अगर पॉलिटी कंसिडर नहीं की होती तो हम इसमें क्या डालते माइनस टेन डालते ठीक है तो इसी वजह से यहाँ पे माइनस से प्लस ऑलरेडी हमने यहाँ पे रख रखा है यानी कि माइनस वी इन ऑलरेडी यहाँ पे हम यूज कर रखे हैं इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ वी इन यानी कि इसका हमलेटूट पुट कर रहे हैं ओके

एक बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू और इसका जीरो निकल गया तो मैक्सिमम यानी कि आउटपुट फॉर पॉजिटिव साइकिल यानी लिख सकते हो कि मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा तो वी आउटपुट इज इक्वल टू मैक्सिमम हो गया प्लस टेन और वी सी की वैल्यू है 7 तो कितना होगा टोटल 17 नेगेटिव साइकिल के लिए वी इन, वी इन की वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन नंबर 2 में -10 VC की वैल्यू वी हैव फाउंड बोल सकते हो कि जो VC की वैल्यू है वही आपका क्या होगा ओरिजिन यानी कि एक्सिस होगा तो यही चीजें देखिए पॉजिटिव साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू वोल्ट नेगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू -3 वोल्ट और ये जो है ओरिजिन 7 वोल्ट

एवरी थिंग विल बी सेम ओनली वट देर इसके अक्रॉस वोल्टेज है टोटल बैटरी कितनी हो गई माइनस तो से प्लस प्लस फाइव वोल्ट प्लस से माइनस माइनस जीरो पॉइंट सेवन यानी कि फोर पॉइंट थ्री वोल्ट टोटल कितना हो गया बैटरी फोर पॉइंट थ्री वोल्ट की अब चेक करते हैं इस डायवोल्ट का डायरेक्शन तो डायोड का डायरेक्शन है माइनस किस तरफ है, है? यानी कि एरो का निशान या तीर का निशान की तरफ है तो शिफ्ट करेगा कितना से ऊपर से पॉइंटली ऊपर मिनिमम लेवल कितना हो गया 4.3 चलिए देखते हैं इनपुट वेवफॉर्म ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है जिसकी हाइट ऊपर की तरफ 10 नीचे की तरफ माइनस फिफ्टीन यानी कि टोटल कितना है ट्वेंटी वोल्ट है तो आउटपुट भी कितना होना चाहिए ट्वेंटी थ्री तो मुझे ऊपर कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा ताकि मुझे कितना ट्वेंटी थ्री तो टोटल हाइट हो गई तो ये यहां से लेके यहां तक टोटल ट्वेंटी थ्री स्टार्टिंग है फोर पॉइंट थ्री से तो फोर पॉइंट थ्री और ट्वेंटी नाइन के बीच में जो डिफरेंस कितना होगा 25 volt. तो ये आ गया पीक तो पीक voltage, input और output का सेम, अब अब और का पे आते हैं ऊपर की में में कितना है इसकी इसका पीक value, 10 total 10 29.3 सबट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा 19.3 तो ये हो गया आपका ओरिजिन देखिए वेरीफाई करके यहाँ so, इसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और मिनिमम वैल्यू 4.3 मैक्सिमम 29.3 यहां भी कौन सा साइकिल अप्लाई करेंगे माइनस क्यों माइनस अप्लाई अप्लाई करेंगे बिकॉज ये डायोड को फोर्ट बैस बना देगा और इस साइकिल में कैपेसिटर क्या होगा चार्ज होगा तो जब हमने इसमें केवीएल लगाया वीसी के लिए यानी कि फर्स्ट लूप में इनर लूप में तो क्या हो गया माइनस यहां भी आपने क्या किया एलईडी पोलरिटी कंसिडर कर लिया तो वी इन इसके बाद माइनस से प्लस प्लस फाइव और यहाँ पे प्लस से सॉरी प्लस से माइनस यहाँ जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट प्लस सेवन वोल्ट और ये प्लस से माइनस वीसी तो ये वी इन प्लस जीरो क्यों माइनस जीरो पॉइंट सेवन यहाँ पे बिकॉज सिलिकन की अक्रॉस वोल्टेज प्लस से माइनस माइनस जीरो पॉइंट सेवन आएगा तो टोटल तो वीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी विसी इजकल टू वी इन प्लस फोर पॉइंट थ्री दैट इज फिफ्टीन वी इन की वैल्यू है क्यों फिफ्टीन लिया हमने क्योंकि निगेटिव में कि साइकिल में मैक्सिमम मैक्सिम्लीटूट कितना है 15 का तो पे आउटर लूप में यानी कि इसको यहां से आज तक तो हमने क्या मान लिया V इनपुट जनरल इक्वेशन आउटपुट का जनरल इक्वेशन यानी कि हो गया V इन इसको हमने V इन मान लिया ओके okay? इसके बाद आउटर लूप में इस लूप में हम के लगाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस प्लस वीसी और प्लस से माइनस माइनस वी नॉट इज की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी इन प्लस वी सी के बराबर ओके okay? तो दिस इज द इक्वेशन नंबर अब इस इक्वेशन से वी इन प्लस वी ध्यान रखना अब इसमें अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चलू यानी कि वी इन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है टेन तो वी इन की जगह पर हमने क्या आउटपुट कर दिया टेन और कितना आ गया ट्वेंटी यानी कि

तो ओरिजिन कितना पे हो जाएगा नाइनटीन पॉइंट थ्री वोल्ट आप ये वेरीफाई कर सकते हैं मैक्सिम ट्वेंटी आप किसी भी टाइप के जो क्लैम्पर सर्किट है उसको आप देख के डायरेक्ट मेथड से इजिली वे फॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बाद उसको केवीएल से सॉल्व वेरीफाई कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि केवीएल मतलब क्लैम्पर सर्किट को आप आउटपुट निकालिए सॉल्व कीजिए एंड वेवफॉर्म फॉर्म ड्रॉ कीजिए तब हमें ये मेथड अप्लाई करना है लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सिर्फ आउटपुट वेवफॉर्म फॉर्म ड्रॉ कीजिए तो डायरेक्टली इस मेथड का यूज कर सकते हैं ओके बट दिस मेथड इज वेरी बेस्ट मेथड टू एटलीस्ट वेरीफाई योर आउटपुट आंसर सो दैट अगर आप के लगाते हैं तो भी आपका आंसर गलत ना आए सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक या तरीका समझ में आया होगा अगर नहीं आता है या कुछ भी दिक्कत आती है तो दोबारा से आप लोग मुझे मेरे ई मेल आई पे मेल करके पूछ सकते हैं थैंक यू एवरी वन फॉर पेशेंस हियरिंग